तो फ्रेंड पिज्जा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिज्जा सजाने के लिए आप देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है पिज्जा का त्यौहार जो कि हमारे यहाँ मनाया जाता है, और आज पिज्जा का त्यौहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में अंत तक वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों। तो चल रहे दोस्तों, राम सिंह ने बाइक निकाल ली है। दोस्तों पिज्जा का त्यौहार मनाने के लिए सविता से हम पूछ लेते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। ये है दोस्तों नव्या, देख सकते हो। ये बैठी हुई है सविता, ये है स्मृति, ये है शिवानी। ये सभी पिज्जा का व्रत उपवास कर रखे हैं। तो सविता क्या क्या चाहिए पिज्जा के सामान के लिए, पूजा के लिए? पूजा के लिए कतरी चाहिए, फल चाहिए, किया चाहिए और नारियल चाहिए, पत्ता चाहिए, और जो होता है बांस चाहिए सजाने के लिए, साड़ी माड़ी ये चाहिए होता है, बहुत सारा करने पड़ता है। पिज्जा का त्यौहार मनाने के लिए आप सामान इकट्ठा कर लेते हैं और उसके आगे का लोग आपको दिखाते हैं। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत पर और राम सिंह चला रहा है बाइक, आप देख सकते हो। दोस्तों हम आ चुके हैं खेत पर और यहाँ से दोस्तों हमको केला और बांस और आम के पत्ते ले जाने हैं पूजा के लिए, पिज्जा की। दोस्तों ये लगे हुए हैं केले के पत्ते, आप देख सकते हो, और वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ लगे हुए हैं बांस। वहाँ से हम बांस की लकड़ियाँ कुछ काटेंगे, और यहाँ इस साइड एक आम का छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ से हम पेड़ के पत्ते भी ले जाएंगे। तो दोस्तों ये लगे हुए बांस आप देख सकती हो। तो यहाँ पर राम सिंह ने कुल्हाड़ी ले रखी है बांस काटने के लिए। तो अभी राम सिंह देख रहा है बांस को कि कौन सा बांस काटा जाए। दोस्तों हम लोगों ने बांस के टहनियाँ काट ली हैं और अब चल रहे हैं केले के पत्ते काटने के लिए। छोटे कदमों से काम जाएंगे तो काटेंगे केले के पत्ते, दो तीन पत्ते काटेंगे पूरे बड़े बड़े। इसके बाद आगे की वीडियो थोड़ी देर में गिरा केले का पत्ता, अब इसको हम यहाँ से काटेंगे, आपको हम काट के बताएंगे। देखिए दोस्तों केले के पत्ता हमने काट लिया भी, अब एक और काट के पहनने लगे थे। तो देखो वो सही है, और हम दूसरी बार काटते हैं फिर। दोस्तों दो तीन पत्ते काट लिए हैं और दो तीन पत्ते और काटने हैं, और फिर चलेंगे हम आम के पत्ते काटने के लिए। चलो भाई हमारे केले के पत्ते पूरे हो चुके हैं, हम चलते हैं आम के पत्ते। दोस्तों हमने केले के पत्ते ले लिए हैं और राम सिंह ले रहा है बांस, तो अब चल रहे हैं दोस्तों आम के पत्ते भी पेड़ में हैं, तो चलेंगे दोस्तों आगे। हेलो दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसा कि कोई शुभ काम करने के लिए हर एक किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें इसका भी योगदान होता है, इसके इसको लगाने से भी अच्छा होता है, जो भी बाधा उत्पन्न होती है इससे दूर होती है, और ये
जो भी होते हैं भूत प्रेत वगैरह, ये हमारे ये दरवाजे के आगे लगा के रखते हैं, इससे वो अंदर नहीं आ पाते, तो हम इसको भी ले लेते हैं। ये आम का पेड़, इसीलिए हम इसको ज्यादा नहीं, एक इतने से ये ले लिए, थोड़ा एक और तोड़ते हैं। ये देखिए भाई, दो तोड़ लिए, बस इससे हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू। आइए दोस्तों, तो हम एक चीज भूल रहे हैं, उसे हम आपको दिखाते हैं। इसमें पूजा के लिए ना फूलों का उपयोग किया जाता है, तो हम तोड़ते हैं। तो पहले फूला के पेड़ देखिए, अब ये लगे हैं फूला, दो कलर के हैं, देख लीजिए। दोस्तों आगे चलते हैं, हमने इतने भी और तोड़ लिए, अभी इतने से हमारा काम नहीं होगा, माला बनाने के लिए भी और तोड़ने के लिए चलते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। इतने सारे फूल तोड़ लिए, हम चलते हैं आगे, कुछ और नया चीज दिखाएंगे। इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने सारा सौदा ले लिया है, बांस फूल और पत्ते वगैरह हर चीज ले ली है, और अब दोस्तों हम निकल रहे हैं घर के लिए, और चलते हैं आगे का ब्लॉग घर पे दिखाते हैं। फ्रेंड पिज्जा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पिज्जा सजाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे फूलों की माला बनाई जा रही है। तो ये बतिया बना रही है माला, इस साइड पत्ते रखे हुए हैं। तो आप लोगों को हमने दिखाया है, हम लोग क्या बोलने के आए थे, अब दिखाते हैं दोस्तों कि आप लोगों को कैसे हम फ्रेंड आई हमारे साथ, और आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पिज्जा कैसे सजाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये दरवाजे में साड़ियों से सजा कर रखा है, देख सकते हो। तो चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, साड़ियों से किस तरीके से सजाया गया है। तो इधर ये मंडप सजाया गया है, महाराज जी इसमें बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए कमरे को किस तरीके से सजाया गया है, साड़ियाँ वगैरह बांधी हुई है, आप देख ही सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पिज्जा को सजाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक करना, और चैनल पे आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।